पूरे देश भर की नेशनल क्रश बन चुकी प्रिया प्रकाश वारियर के आंख मारने वाली वीडियो पर मची खलबली से अब फतेहाबाद जिला शिक्षा विभाग भी अछूता नहीं है। जी हां, फतेहाबाद जिला शिक्षा विभाग ने अब सभी निजी व सरकारी स्कूलों में होने वाले एनुअल फंक्शन और फेयरवेल प्रोग्राम के आयोजन में बकायदा एक गाइडलाइंस तय कर दी है, ताकि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में इन अश्लील गानों, वीडियो क्लिप्स व इस प्रकार के कल्चरल कार्यक्रमों से स्टूडेंट और स्कूल स्टाफ को दूर रखने की सख्त हिदायत जारी की गई है। इन आदेशों में विशेष तौर पर हमें ये ही बताया है कि कोई भी पार्टी, फेयरवेल पार्टी अगर आप अपने स्कूल में आयोजन करते हो, वो एक सम्मान बच्चों को देते हैं जाने वाले, कोई ये एक ट्रेडिशनल पार्ट हमारी कल्चर का देना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को नैतिकता संबंधित पाठ या कोई एक ऐसी शिक्षाप्रद गाने या जो भी डांस है उसके माध्यम से उनको विदा करना चाहिए, ताकि उनमें कोई इस प्रकार की हीन भावना ना आए। कई बार टाइटल देते हैं, टीचर्स को भी टाइटल देते हैं, बच्चों को भी टाइटल देते हैं, तो वो टाइटल लाइफ लॉन्ग उनका एक वो बन के रह जाता है, टैग बन के रह जाता है। ऐसा अश्लील या गलत टाइटल भी किसी बच्चे को ना दिया जाए, जिससे उसमें कहीं हीन भावना का शिकार कोई बच्चा ना हो। जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने बताया कि इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह के वीडियो और गाने स्कूली बच्चों पर बुरा असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि साउथ के एक्ट्रेस का ये वीडियो, हालांकि उन्होंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन इस वीडियो के बारे में मीडिया और प्रबुद्ध जनों से जितना कुछ सुना है, उससे इतना जरूर है कि ये वीडियो के जरिए स्कूली बच्चों पर गलत मैसेज जा रहा है। लिहाजा ऐसे गानों से और ऐसे वीडियो से स्कूल प्रशासन को दूर रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा यदि कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, इन नियमों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एक्चुअली वो फिल्म या वो गाना तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना है कि सोसाइटी में ऐसा, आप जैसे जो विद्वान है अखबारों में काम करने वाले, उनसे भी जो मीडिया से, कि इस प्रकार का आया हुआ है, और मीडिया पिछले दिनों इस बारे में बहस भी चल रही थी, तो उसका तो नहीं कह सकते हम, वो साउथ का और हमारा तो काफ़ी अंतर है, और इस तरह के सीन वहाँ नहीं परोसने चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही इमेच्योर होते हैं, बहुत ही टेंडर होते हैं, छोटी छोटी बातों का इनके ऊपर बहुत भारी असर पड़ता है, और ये बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं। इस प्रकार के ट्रेंड अगर आएगा बच्चों में तो गलत होगा समाज के लिए। प्रयास रहेगा कि हम हर स्कूल की तह तक जाएं, अगर ऐसा कहीं होगा तो हम विभाग को उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जरूर। फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।